Welcome students, how are you? I hope you all are fit and fine. So today we will study about subject science chapter number 7. बच्चों आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फूड वी ईट. एज यू नो दैट सभी लोग ये जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी द फूड वी ईट, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर नेम द फूड वी ईट. लेट्स कंटिन्यू. Everyone look at the board. Why do we need food? Firstly, I want to say, जैसे कि हम जानते हैं कि हमको सबसे पहले ये जानना है कि हम खाना क्यों खाते हैं, यानी food हम क्यों खाते हैं. Everyone remember that these three points. आपको ये three points को learn करना है, याद करना है और समझना है कि हम खाना क्यों खाते हैं.
लेट्स कंटिन्यू। आगे हम क्या पढ़ेंगे, फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फूड जो हमारा भोजन होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द ह्यूमन बॉडी यूजेस दीज न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी, यानी कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, यानी जो हम मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उनको क्या होता है, भोजन जो खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, यानी जो हमारा भोजन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, और हम जो भी वर्क करते हैं उससे हम क्या होता है, हम हेल्दी रहेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। और क्या होगा उसमें, कौन कौन सी चीजें होती हैं न्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फूड होता है, जो भोजन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी, यानी कि ये जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, भोजन के द्वारा जाते हैं और बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उससे कौन से लाभ होते हैं और किन किन चीजों में पाया जाता है। योर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, इवन यू आर एसलीप योर बॉडी इज वर्किंग द टाइम, यानी कि एज यू नो दैट आपकी जो बॉडी है वो हर समय, यानी कि 24 आवर्स वर्क करती रहती है, चाहे कि आप जाग रहे हो या फिर आप सो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, इट ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अगर आप जाग रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में वर्क हो रहा है और अगर आप सो रहे हैं तो भी आपकी बॉडी में वर्क हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जाग रहे हैं तो आपकी बॉडी, आप चल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं तो बॉडी आपकी वर्क कर रही है, लेकिन अगर आप सो रहे हैं तो भी आपका जो माइंड है वो कभी सोता नहीं है, यानी आपका जो ब्रेन है वो भी वर्क कर रहा है, आपका हार्ट है वो चल रहा है, हार्ट बीट्स चल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में हो रहा है। तो इन सभी चीजों के लिए हमारी बॉडी को फिट रहना जरूरी है और जिसके लिए हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी फॉर द फूड, यानी जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। राइस, चपाती, ब्रेड, शुगर, पोटैटोस, बनानास आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि राइस यानी चावल, चपाती यानी जो आप रोटी खाते हैं, ब्रेड, शुगर यानी चीनी, पोटैटोस यानी कि जो आप आलू खाते हैं, एंड बनानास आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। फूड